हेलो स्टूडेंट्स, तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 एनआईटी कॉलेजेस या फिर टॉप एनआईटी कॉलेजेस इन इंडिया। आपका जो आने वाला एग्जाम है जेई मेंस, उस एग्जाम के बाद आपको करना क्या है, आपको किसी ना किसी अच्छे एनआईटी में एडमिशन चाहिए होगा, ये बात तो फैक्ट है, ठीक है। तो उन एनआईटीज में क्या लाइफस्टाइल है, क्या पैकेजेस होते हैं, हाईएस्ट पैकेज क्या होता है, एवरेज पैकेज क्या होता है और प्लेसमेंट्स किस लेवल पे होती है, सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, इससे पहले कि मैं डेटा डिस्कस करूं अलग अलग कॉलेजेस के लिए, पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी एनआईटी एज सच खराब नहीं है और कोई भी एनआईटी ऐसे बहुत अच्छा नहीं है। वहां पे जाने वाले बच्चे ही उस एनआईटी की ग्रोथ और उसके डिक्लाइन का रीजन होते हैं। अगर आप क्वालिटी स्टूडेंट्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा लिया गया है कि किस हिसाब से अलग अलग कॉलेजेस का प्लेसमेंट होता रहा है। तो मूव करते हैं, पहले रैंक वाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, अलग अलग सोर्सेस से मैंने डेटा लिया है, वहां से मुझे पता चला है कि इस तरह से पैकेजेस अलग अलग एनआईटीज में दिए जा रहे हैं। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पे जो मैंने दिखाया हुआ है, ये ब्लू वाली जो आपको बार्स दिख रही है, ये ब्लू बार्स है हाईएस्ट पैकेज की अलग अलग एनआईटीज के लिए और ऑरेंज वाली बार्स है एवरेज पैकेजेस की, ठीक है। ये एनआईटी तिरुचिरापल्ली के लिए है, ये एनआईटी वारंगल के लिए, राउरकेला के लिए और ये सूरतकल के लिए। पहले फर्स्ट स्लाइड में जो मैं चार एनआईटीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, तो तिरुचिरापल्ली में ये 2009 तक का डेटा है, 2019 का, पिछले साल का डेटा के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट पैकेज था वो 90 लाख था, जो कि बहुत ज्यादा है अपने आप में। लेकिन एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो सिर्फ 6 लाख है। देखो, मैक्सिमम जो लिमिट है वो आपकी 90 लाख है और एवरेज बच्चे का जो प्लेसमेंट ऑफर हुआ है वो 6 लाख है। तो एवरेज का मतलब क्या है यहाँ पे, एवरेज का मतलब ये है कि जो एलिजिबल बच्चे होते हैं, एलिजिबल का मतलब क्या है कि हर एक कंपनी का अपना एक क्राइटेरिया होता है, कोई 6 पॉइंटर को अलाउ करती है, कोई 7 पॉइंटर को, कोई 8 CGPA को अलाउ करती है, कोई 9 को करती है, कोई 9.5 को करती है, एज सच, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हर एक कंपनी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है। तो उन एलिजिबल बच्चों में से जो एवरेज एवरेज जो पैकेज निकाला गया है वो इस तरह से निकाला गया है कि जैसे मिनिमम और मैक्सिमम और टोटल नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स जो हुई हैं उनका, जो टोटल नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स हुई है उनका टोटल पैकेज को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड किया गया है, ठीक है। आगे अगर मैं मूव करूं वारंगल के लिए, तो वारंगल में जो मैक्सिमम पैकेज मिला वो 28 लाख का था और एवरेज पैकेज काफी अच्छा जो कि 7.42, यानी कि एक हर बच्चे को 7.42 लाख का पैकेज मिल गया था जो एलिजिबल था कंपनी में बैठने के लिए। उसके अलावा राउरकेला की अगर बात करूं, इन्होंने राउरकेला एनआईटी ने काफी अच्छी ग्रोथ की है पिछले कुछ टाइम में और एनआईआरएफ रैंकिंग में भी इसको बहुत ऊपर, मतलब पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा इसने ऊपर छलांग लगाई है। तो राउरकेला का मैक्सिमम जो पैकेज था वो 39 लाख पर एनम, ये जो पैकेजेस मैं बता रहा हूँ ये लैक्स पर एनम में, ये भी बात याद रखनी है, पर ईयर में कितने लैक्स का पैकेज मिला, तो इसको 39 का मैक्सिमम पैकेज था और एवरेज पैकेज था 6.4 लाख का, जो कि काफी अच्छा है। 6.4 लाख अगर एवरेज बच्चे को मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो काफी अच्छा पैकेज समझा जाता है। सूरतकल की बात करूं तो सूरतकल काफी अच्छा एनआईटी है, इसका कैंपस वगैरह भी काफी अच्छा है। तो यहाँ पे 29.14 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज था और 7.73 जो कि ऑलमोस्ट 8 लाख के बराबर हो जाएगा, 8 लाख के बराबर समझ सकते हैं, 8 लाख पर एनम एक एवरेज पैकेज था। मतलब एक बच्चे को जो जो एलिजिबल बच्चा है ब्रांचेस का, किसी भी ब्रांच का, ये सारी ब्रांचेस का ही डेटा है, किसी भी ब्रांच का एलिजिबल बच्चा है कंपनी में बैठने के लिए, उसको एवरेज 8 लाख रुपए मिल रहे होंगे, ऐसा यहाँ पे डेटा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चार एनआईटीज हैं जो साउथ इंडिया में पढ़ते हैं चारों, और काफी अच्छे एनआईटीज हैं। और मैं फिर से बता रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप तिरुचिरापल्ली और वारंगल या फिर राउरकेला या फिर सूरतकल में कोई डिफरेंशिएट कर पाएंगे। एक अच्छा बच्चा है उसको आप कोई भी एनआईटी में भेज दो, वो वहां पे पढ़ेगा, मेहनत करेगा और अच्छी कंपनी से वो वहां से भी प्लेस हो जाएगा। कंपनीज जो होती हैं सेम ही कंपनीज अलग अलग एनआईटीज में विजिट करती है, बस पैकेज में उनका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है कि कहीं पे वो 15 लाख दे रही तो कहीं पे 17 दे रही होगी, कहीं पे 14 दे रही होगी, तो 1-2 लाख रुपए से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो ग्रोथ आप कंपनी में जाके भी कर सकते हो, लेकिन अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। जो अच्छे बच्चे जहाँ पे जा रहे हैं पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले, चीज़ों को सीखने वाले और डेली लाइफ में अप्लाई करने वाले, वो कहीं से भी अच्छा पैकेज उठा लेते हैं। नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ, तो नेक्स्ट पे मैंने इंक्लूड किया हुआ है एनआईटी कुरुक्षेत्रा, जिन्होंने भी पिछले टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है और एनआईआरएफ रैंकिंग में काफ़ी ऊपर गए और नॉर्थ इंडिया में जो टॉप एनआईटीज है उनमें पहले नंबर पे है। नॉर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि पिछले में हमने साउथ के जो टॉप कॉलेज थे उनकी बात कर ली है। अब इनका जो मैक्सिमम पैकेज था वो था 39.14 लाख, 39 लाख रुपये
जो कि काफी अच्छा अमाउंट है, और एवरेज पैकेज भी अगर आप देखोगे तो वो 8.2 लाख रुपीज पर एनम है, तो 8 लाख रुपए एक साल के काफी अच्छा अमाउंट है। तो इसका मतलब अगर आप एनआईटी ग्रुप क्षेत्र में जाते हैं, वहां किसी अच्छी ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं, वैसे ओवरऑल ब्रांचेस का एवरेज डेटा है कि भाई हाईएस्ट सारी ब्रांचेस में मिलकर जो मिला था ये एक्चुअल में आईटी का है, आईटी के किसी बच्चे को 39.14 लाख का पैकेज मिला था, और सारी ब्रांचेस का एवरेज जो निकाला जाए एलिजिबल बच्चों का तो वो 8.2 था, ठीक है। अब अगर MNNIT इलाहाबाद की मैं बात करूं तो 36 लाख था मैक्सिमम और 6.1 लाख था एवरेज। उसके बाद कैलिकट जिनका मैक्सिमम था 50 लाख पर एनम, जो कि बहुत मैसिव अमाउंट है, और इनका एवरेज भी शायद सबसे ज्यादा है जितने भी एनआईटीज में डिस्कस कर रहा हूं, 9.7 लाख, मतलब कि एक एवरेज बच्चे को 10 लाख रुपए मिल रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, या फिर जो भी कंपनी आ रही है वो ऑफर कर रही है 10 लाख का पैकेज ऑन एन एवरेज हर किसी बच्चे को जो एलिजिबल है बैठने के लिए। उसके बाद मैं दुर्गापुर की बात करूं तो ये पहले काफी अच्छा एनआईटी नहीं कंसीडर किया जाता था, लेकिन यहाँ पे बच्चे क्वालिटी वाले जाने लग गए, अच्छे बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने लग गए, बच्चों ने प्रीफर किया, तो देखो इसकी रैंकिंग भी काफी ऊपर गई, और फिर उसके अकॉर्डिंग इसका प्लेसमेंट जो है हाईएस्ट वो रहा 32.5 लाख का जो ऑफर किया गया बच्चों को, और 9.09 लाख पर एनम, यानी कि 9 लाख एक एवरेज प्लेसमेंट देखा जाए तो यहां से बच्चों को मिला है, ठीक है। तो ये कुछ 8 इंपॉर्टेंट और बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे एनआईटीज हैं जिनका मैंने डेटा प्लेसमेंट का आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। कुछ और एनआईटीज है जैसे कि MNIT जयपुर है, और VNIT महाराष्ट्र में जो है नागपुर है, और SVNIT सरदार वल्लभ NIT जो है वो सूरत में है, ये भी काफी अच्छे NITs है, और यहां से भी ऑन एन एवरेज 5 से 6 लाख रुपए का पैकेज बच्चों को ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो अगेन वही बात है कि ये जो डेटा है ये अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट करके यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जा रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई NIT, जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूँ भाई यहाँ पे 9 लाख रुपए है, यहाँ पे 8.2 है, तो आप इसी वाले NIT को प्रीफर करें, यहाँ पे भी देखो इसका एवरेज इसका जो मैक्सिमम है वो इससे ज्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है कि ब्रांच के ब्रांच आपकी कौन सी है, ठीक है, कि किस कॉलेज में आप कौन सी ब्रांच में जा रहे हैं। ब्रांच का हम कॉलेज वाइज अलग से एनालिसिस करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंप्लीट ओवरऑल एनालिसिस था कि हाईएस्ट पैकेज कितना है और एवरेज पैकेज कितना है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि आगे आपको कहां जाना है। मैं विश करूंगा कि आप लोग जब जेईई मेंस क्लियर करें तो ये जो 8 कॉलेज मैंने डिस्कस किए इनमें से किसी एक में आपको एडमिशन मिल जाए। सारे कॉलेजेस अपने आप में अच्छे हैं, सबका अलग अलग लाइफस्टाइल है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग वहाँ की गेनिंग है, आप जाके अलग अलग चीज़ें सीखोगे, ठीक है। और पैकेज जो कि इंपॉर्टेंट है और मैटर करता है, हर बच्चा जॉब के एस्पिरेशन से जाता है कॉलेज में कि अच्छी जॉब उसको मिल जाए, तो वो आपको दिखा दिया मैंने कि किस कॉलेज से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप डाउटनेट के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप लिख सकते हैं। थैंक यू।